वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आई होप तुसी सारे ग्रेट होवोगे। मैं भी ठीक हाँ। तो अज का ब्लॉग स्टार्ट करने हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने तो पहले गल क्लीयर कर दिनी है, जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी बेल आइकन को प्रेस करने के बाद मेरे ब्लॉग्स की, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो आप कर ही दोगे। तो आज मैं फिर हो गई हूँ रेडी। हम आज जा रहे हैं हमारे कुलदेवताओं के दरबार, मतलब वहाँ पे आज फंक्शन है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। रेडी हो गए, पीछे देख रहे हो नीरज भी रेडी है, मैं भी, और प्लस मेरी बेटी भी, हम दोनों सेम सेम पहना येलो येलो। दीदी से हाय। आज मैंने दीदी की कैटू नहीं बनाया उसको, क्योंकि आज मैंने उसका सिंपल सा लुक किया। हम अभी रेडी हो गए हैं, बस निकलने लगे। पापा नहीं जाएंगे, पापा ने दुकान देखनी है, तो नीरज हमें गाड़ी में लेके जाएंगे, क्योंकि ऐसे जाना वहाँ बहुत दूर है, जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैं हो गई रेडी, मम्मा भी हो गए रेडी, बस अब निकलते हैं फटाफट से। फाइनली गाइस, हम लोग निकल चुके हैं और मैं, मम्मा, बड़ी मम्मा, दीवी, नीरज, हम सब जा रहे हैं। तो रास्ते में है, मतलब अभी घर से थोड़ी दूरी निकले हैं, अपनी शॉप वगैरह क्रॉस किया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने देवते क्या है कैसा है। कुल देवता को तो सबको जाना चाहिए, तो मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ कैसा कैसा रास्ता है, पर थोड़ा पास, मतलब वहाँ उस एरिया में पहुँच के, ठीक है। स्टे ट्यून्ड गाइस, हम हाफ रास्ते में पहुँच चुके हैं हमारे कुल देवतों के, आधे रास्ते में हम पहुँच चुके हैं। तो मम्मा और बता रहे हैं कि हमें भूख लगी है, क्योंकि घर से सारे सुचमु आए हैं कि भूख लगी है, तो हम लोग कुछ ले लें। वो डिस्कशन चल रही है, आपने कुछ लेना है अपने लिए? ये कुछ नहीं खाएंगे, ये आज फुल डे फास्ट रखने वाले हैं। तो गाइस ये आधा रास्ता हमने कंप्लीट कर लिया है, इतना ही और करना है जितना और किया है। सेम सेम जितना किया है इतना ही और रास्ता हमने, मतलब और सफर करना है। तो अब मैं डायरेक्ट आपको वहीं जाके मिलती हूँ। फाइनली गाइस, हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, आपने देख लिया होगा, मैंने सिर पूरा ढका हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड। चाय और बिस्किट का प्रसाद चल रहा है लंगर सुबह सुबह, तो रुको मैं दिखाती हूँ। वो सामने हमारी बुआ दादी की जगह, मैं अंदर गया आपको दिखा देती हूँ यहीं से। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मैंने पूरा रिकॉर्ड कर दिया। देखो सामने माथा टेक के आ गए हम लोग। मैं मम्मा के पास जा रही हूँ, देखना इसको। राशन वगैरह डाल देते हैं। चलो फाइनली गाइस, हम लोग घर आ गए। सॉरी मैं वहाँ का आगे का ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि उसके बाद काफ़ी रश पड़ गया था और मेरे को हेड पेन शुरू हो गई थी। जैसे मैंने बताया था कि हम लोग लंच ब्रेकफास्ट करके नहीं गए, और लंच खाने तक मुझे बहुत सर में दर्द हो रही थी, और घर आके हम सो गए थे। तो अभी भी उठी हूँ, मुँह हाथ धोया है, डिनर बन रहा है। देखो पीछे अंधेरा कितना हो गया, ये आते ही चले गए थे वापस दुकान पे। मैं सो गई थी, दीवी भी सोई हुई है मम्मा के पास। मैं डिनर बना रही हूँ, काट ली है, जस्ट बनाने लगी हूँ, सब्जी बना रही हूँ। एक चीज़ बताऊँ, मेरे को सब बताना, जब आप कहीं घूमने जाते हो, मतलब कहीं जाते हो, उस टाइम आप भी इतना कचरा डालते हो। देखो ये देखो, मैं इतना कचरा डाल के जाती हूँ ना जब मैं कहीं जाती हूँ, कि मैं बता नहीं सकती। पापा भी घर आ गए हैं, सब्जी बन रही है, सब्जी बना के मम्मी घर जाने का प्लान है, क्योंकि मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको मम्मी घर जा रही है, मम्मी का मतलब उसका पता लेना है। बहुत सिर दर्द हो रही है गाइस। आलू गोभी बनाने का प्लान हुआ है अभी, कि वही बना लेते हैं। वैसे तो दाल भी है, दाल ही खाते नहीं हैं। पापा हाइपर हो रखे हैं, कि पापा को लेके नहीं ना गए थे, इसलिए
सारे पापा ऐसे करते हैं, जब पापा कहीं लेके नहीं ना जाओ पापा बहुत गुस्सा करते हैं। और गाइस हमारे यहाँ की लाइट्स भी आजकल बहुत कट कर रहे हैं यार, पता नहीं क्यों होती सिद्धत हो रही है। आज तो मन कर रहा है कि खाना बाहर से ही मंगवा लेना चाहिए, बट नहीं यार चलो बन रहा है, बन जाएगा। मैं सब्जी बना लूँ उसके बाद आपसे बात करती हूँ। मम्मा घर नहीं जा रहे हैं गाइस अब, क्योंकि दीवी भी सो चुकी है, मैंने बताया जैसे दीवी उठी नहीं है और पापा के पास दीदी को छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए मम्मा घर नहीं जाएंगे अब। तो मैं आज का व्लॉग यहीं करती हूँ, एंड आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। और मुझे भी बताना कि सब कमेंट में पक्का बताना कि आप सब भी अपने कुल देवी के या कुल देवताओं के मंदिर वगैरह जाते हैं। तो व्लॉग को एंड करते हैं, ब्लॉग को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो और कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो यार, सब्सक्राइब करो यार मेरे चैनल को। और जिन्होंने बाबा जी का नंबर मांगा है, सॉरी यार कॉन्टैक्ट नंबर नहीं हो सकता, फिर भी मैं एक बार उनसे बात करूँगी, क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता दूँगी। अगर वो मान जाएंगे तो मैं इंस्टा आईडी पे अपने शेयर कर दूँगी नंबर, आप वहाँ से ले लेना, तो वहाँ से आप उनसे बात कर लेना। और प्लीज़ गाइस नंबर वो ही कॉल करना जिनको कोई प्रॉब्लम है या किसी को कुछ काम है, अदरवाइज़ प्लीज़ कोई मजाक नहीं करना, कोई कुछ उनका कहीं ऐसे इंजॉयमेंट फ़न के लिए लेते हैं, ये कोई फ़न नहीं है ठीक है। किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए मेरी वजह से उनको, क्योंकि मेरे लिए उनके मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, अगर उनको हर्ट हुआ तो ये मेरे लिए बहुत बुरी की बात होगी, फिर मुझे ये नहीं सुनना चाहिए कि लकी महक के सब्सक्राइबर्स में से किसी ने कॉल किया मजाक कर रहा है कोई, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर मेरे इंस्टाग्राम से आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम में मेरी आईडी है mahinagra1003, मैं इस पर भी मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूँगी। तो बाय।